हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड लेक्चर। लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता क्या है, लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया था और अकरेंस इन रिप्रोडक्शन ये बताया गया था। तो अब नेक्स्ट है टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का कितना टाइप्स है वो देखेंगे। तो इसका जो है वो दो टाइप्स है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है विदाउट सेक्सल। यहीं पर नेगेटिव पे ये यहाँ पे आ रहा है, यानी नेगेटिव होगा, ये मतलब नेगेटिव होगा। तो इसमें जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें होगा। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें डबल पेरेंट इन्वॉल्व, डबल पेरेंट इन्वॉल्व। डबल पेरेंट इन्वॉल्व आप चाहे तो ये याद कर लीजिएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दो में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका याद अगर आप करते हैं तो इसका याद हो जाएगा, और अगर ये वाला अगर आप याद करते हैं तो ये याद हो जाएगा। दो में से आप एक याद कर लीजिए, एक याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व और गैमीट में और मे नॉट फॉर्म, मे नॉट फॉर्म। गैमीट बन भी सकता है और गैमीट नहीं भी बन सकता है इसमें, लेकिन इसमें गैमीट में नहीं, यहाँ पर लगाओ डायरेक्टली गैमीट फॉर्म। इसमें गैमीट बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन इसमें गैमीट बनेगा, इसमें गैमीट बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें हो जाएगा नो वेरिएशन, नो वेरिएशन। अब इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा तो इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा वेरिएशन अकर, वेरिएशन अकर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा। और इसमें नो मियोसिस, नो मियोसिस, इसमें मियोसिस नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होगा, तो जब इसमें मियोसिस नहीं होगा तो इसमें मियोसिस होगा। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये है, आप ये याद करो दोनों याद हो जाएगा। नो रोल इन इवोल्यूशन, नो रोल इन इवोल्यूशन, कोई रोल नहीं होता है इवोल्यूशन में, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो जब इसका रोल नहीं होता है तो इसका रोल तो जरूर होगा, रोल इन इवोल्यूशन। नो रोल इन इवोल्यूशन, इसका रोल इन इवोल्यूशन। और क्या इसमें पॉइंट आ जाएगा? तो इसमें और आ जाएगा कि लेस एनर्जी कंज्यूम, बहुत ही कम एनर्जी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगता है, बहुत ही कम। अब इसमें कम लग रहा है तो इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा? लार्ज एनर्जी कंज्यूम, लार्ज एनर्जी कंज्यूम, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेस टाइम
टेकन। बहुत ही कम समय, बहुत ही कम समय जो है इसमें लगेगा। अब इसमें कम लगेगा तो इसमें क्या लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, तो मच टाइम टेकन। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम समय लगता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद और बतलाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ जो अभी बतलाया आप लोगों को। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरह का, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व, इधर डबल पैरेंट हो जाएगा। इसमें गैमीट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन इसमें गैमीट बनेगा। इसमें वेरिएशन, मियोसिस, रोल इन इवोल्यूशन जो है वो नहीं होता है, लेकिन इसमें होगा, इसमें होगा। इसमें टाइम जो है वो बहुत कम लगता है, और क्या, और इसमें एनर्जी भी बहुत कम लगता है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। यही अब तक आप लोगों को पढ़ाया गया। अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें और क्या हो जाएगा। इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मच प्रोजेनी या फिर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोजेनी बनेगा, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोजेनी बनेगा। और अब इधर देखते हैं तो इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसमें था बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म, बट इसमें होगा लेस प्रोजेनी फॉर्म। इसमें शॉर्ट ही ड्यूरेशन में कम ही समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म या फिर बहुत ज़्यादा प्रोजेनी जो है, या बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग या फिर इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लेने के बाद भी इसमें जो है प्रोजेनी जो है वो बहुत ही कम बनता है। और इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। तो अब ये क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स कहते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ऑर्गेनिज्म, या फिर डायरेक्टली आप यूज यहाँ पे करिए सिमिलर टू पैरेंट ऑर्गेनिज्म टू प्रोजेनी। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, जैसे कि पैरेंट ऑर्गेनिज्म है ये, सपोज करिए ये पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, इससे एक बर्थ लिया ये प्रोजेनी, ये बर्थ लिया प्रोजेनी, तो ये जो है वो ठीक इसी के जैसा होगा। चाहे तो आप जेनेटिकली बात करिए या मॉर्फोलॉजिकली, दोनों जो है वो एक ही तरह का होगा, हूबहू होगा। पैरेंट भी उसी प्रकार से होगा जैसा कि प्रोजेनी आया। लेकिन अब इसमें क्या होगा, तो नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स इसमें नहीं बनेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए,
हो गया नोट, इरेज कर दें। अब देखते हैं अकरेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या देखेंगे टाइप्स देखेंगे। अकरेंस, अकरेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा वो देखते हैं। तो ये जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होगा, जैसे एग्जांपल है प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब प्लांट एंड एनिमल विथ सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल में भी हो सकता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल होगा। कहने का मतलब है सिंपल प्लांट एंड एनिमल, सिंपल प्लांट एंड एनिमल जो है उसी में होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी में होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हायर प्लांट्स में भी होता है, हायर प्लांट्स में भी होता है, हायर एनिमल्स में नहीं होगा, हायर एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, हायर प्लांट्स में होगा। कैसे? तो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हायर प्लांट्स में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हायर प्लांट्स जो हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, वो देखेंगे। तो ये है अकरेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल ही सेल का ऑर्गेनिज्म होगा उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहीं प्लांट एंड एनिमल में भी होता है, लेकिन सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होगा, प्लांट एंड एनिमल जो है वो बहुत ही सिंपल होगा, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और हायर प्लांट्स में भी होता है। कहने का मतलब है कि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल भी होता है, दोनों होता है, चाहे तो वो हायर हो या फिर सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें कौन कौन सा टाइप्स हो जाएगा? फर्स्ट है फिजन, सेकंड हो जाएगा बडिंग, थर्ड हो जाएगा स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, फोर्थ हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, और फिफ्थ जो है वो क्या हो जाएगा? रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, और सिक्स्थ जो है वो हो जाएगा पार्थिनोजिनेसिस, पार्थिनोजिनेसिस, और सेवेंथ जो है लास्ट जो वेजिटेटिव
प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, यही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। पहले देखेंगे फिजन, फिर बडिंग, उसके बाद स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रिजेनरेशन, पार्थिनोजिनेसिस, और फिर लास्ट देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजन को। फिजन, सबसे पहले यहाँ पे आता है फिजन का मतलब होता क्या है। फिजन का मतलब जो है वो होता क्या है, तो फिजन का मतलब होता है टू स्प्लाइट अप, टू स्प्लाइट अप। फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लाइट अप या फिर डिवीजन या फिर डिवीजन। तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, सबसे पहले फिजन का डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसका भी हम टाइप्स देखेंगे। तो फिजन का मतलब होता है पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स, या फिर यहाँ पे स्प्लाइट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फिजन का मतलब भी स्प्लाइट और डिवीजन आप लोगों को बतला दिया गया है। तो पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स या फिर टू स्प्लाइट अप इट्स बॉडी, इट्स बॉडी इनटू टू और मोर न्यू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, यही है फिजन का डिफिनेशन। अब डिफिनेशन को समझते हैं। पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड किया या फिर स्प्लाइट किया, जो भी आप बोलिए, डिवाइड किया अपना बॉडी को, ये खुद डिवीजन यहाँ पे किया, किस में, दो या फिर दो न्यू इंडिविजुअल में, दो या दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच दस पंद्रह बीस हजार, जो भी आप करिए। तो यही है फिजन, यही है फिजन, टू स्प्लाइट अप पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। पैरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपना बॉडी को डिवाइड करता है, अपना बॉडी को डिवाइड करता है दो या दो से न्यू इंडिविजुअल में, दो या दो से न्यू इंडिविजुअल में, उसी को कहते हैं फिजन, उसी को क्या कहते हैं, फिजन। तो फिजन यही है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अमीबा, इसका डायग्राम देखेंगे, पैरामीशियम, प्लास्मोडियम, युगलीना, फ्लैजिलेटेड, डायनोफ्लैजिलेटेड, ये सब भी होता है, यहाँ पे एटीसी कर देते हैं, इतना ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अमीबा और पैरामीशियम तो ज़्यादा फेमस है, आप लोग ये याद रखिएगा। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजन, ये था सिर्फ फिजन, और अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजन कितने प्रकार के होते हैं, डिवीजन कितने प्रकार के होंगे वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ फिजन, ये जो है तीन तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन, और एक है प्लाज्मोटोमी। ये तीन जो है टाइप्स है फिजन का। बाइनरी मतलब दो, मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा, मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा, और बाइनरी मतलब दो। तो पहले देखते हैं हम बाइनरी, सबसे पहले क्या देखेंगे, बाइनरी, उसके बाद देखेंगे मल्टीपल, और फिर देखेंगे प्लाज्मोटोमी के बारे में।
बाइनरी मतलब दो, तो इसमें जो है पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट्स बॉडी, डिवाइड इट्स बॉडी इंटू टू न्यू इंडिविजुअल, या टू न्यू प्रोजेनी, या फिर डॉटर न्यूक्लियाई भी आप बोल सकते हैं। पैरेंट ऑर्गेनिज्म है ये, डिवाइड किया अपना बॉडी को, इसी को डिवाइड किया दो न्यू प्रोजेनी में, बस यही है बाइनरी फिजन, यही है बाइनरी फिजन और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है बाइनरी फिजन। ये बॉडी था पैरेंट बॉडी, ये डिवाइड किया दो में, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमीबा। पैरामीशियम इटिशी, बाइनरी फिजन का भी टाइप्स होता है, बाइनरी फिजन का भी टाइप्स होता है। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन देखते हैं, उससे पहले जो है डायग्राम बतला देते हैं अमीबा का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायग्राम ऑफ अमीबा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है अमीबा का, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, बाकी साइटोप्लाज्म है, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये सब है साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियस, ये फुल ग्रोथ हो चुका है इसका, इसका ग्रोथ हो चुका है। तो अब क्या होगा वो देखते हैं, कैसे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, तो ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो इधर खोपचे में आके समझते हैं पहले कि क्या होता है कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो हो गया क्या न्यूक्लियस डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस के मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पहले क्या डिवाइड करेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो हम न्यूक्लियस को डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ऐसे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बाकी साइटोप्लाज्म जस के तस भी रहेगा। अब जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब होगा कैरियोकाइनेसिस, सॉरी कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका है ना, होगा साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये साइटोकाइनेसिस क्या है,
तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो इसमें होगा क्या कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर चुका है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर चुका है, अब होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन। ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो फाइनली जो है साइटोप्लाज्म डिवीजन के बाद कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऐसे बनेगा, ये दो न्यूक्लियस हो जाएगा, फिर बाकी जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। यही है डायग्राम ऑफ अमीबा, यही है होल डायग्राम। सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस डिवीजन। साइटोकाइनेसिस के मतलब क्या कि साइटोप्लाज्म डिवीजन। सबसे पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस। तो इधर हम देख लेते हैं एक और पॉइंट, कैरियोकाइनेसिस फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। ये कुछ नहीं है, बस ये है कि सबसे पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस। पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस और फिर हुआ साइटोकाइनेसिस, बस यही अमीबा का डायग्राम में है। पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस को डिवाइड कर दीजिए आप, न्यूक्लियस को डिवाइड कर दीजिए, न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दीजिए, बस दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। दो डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा? रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही है अमीबा का डायग्राम। अमीबा का डायग्राम नहीं है बल्कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो अमीबा रिप्रोड्यूस कर रहा है उसका डायग्राम है। वैसे ये भी एक अमीबा का ही डायग्राम है, इसमें वैक्यूल दे देंगे, फूड वैक्यूल का कुछ काम नहीं था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसीलिए हम उसको यहाँ ड्रा नहीं किए हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन देखते हैं। तो पहला टाइप है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, या फिर इरेगुलर भी इसको बोलते हैं। इरेगुलर शेप का होता है, जैसे कि एग्जांपल अमीबा। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम। थर्ड है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन।
इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्लैजिलेटेड या फिर युगलीना। लास्ट है फोर्थ ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेटेड। ये है टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ये चार जो है वो बाइनरी फिजन का टाइप्स है। ये चारों का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल बाइनरी फिजन, ऐसे कर कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ये सब का जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में, प्लाज्मोटोमी के बारे में, फिर उसके बाद बडिंग के बारे में देखेंगे, स्पोरुलेशन, रीजेनरेशन, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।